अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। वेलकम बैक, अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। गया की ब्रेकिंग खबरें, 3 ब्रेकिंग न्यूज ऑफ गया। वजीरगंज में महिलाओं ने धूमधाम से मनाई सावन मिलन समारोह। खूबसूरत परिधान से महिलाएं थी सजी। हरे हरे खूबसूरत परिधान से सजी थी महिलाएं, उनमें दिखी सावन मन भावन की छटा। सावन मिलन समारोह में महिलाओं ने बड़ी उत्साह से शिरकत की। वजीरगंज बाजार की महिलाएं सावन में सराबोर नजर आईं। महिलाएं झूम कर कह उठी, ओ दीदी सावन बड़ा मन भावन, हमरो मन भाओ। ऐसी खुशियां उनमें झलकी। महिलाओं में सावन की सरगर्मी दिखी। सावन के मन भावन परिधान में सजी महिलाएं, मन में है श्रावण की हरियाली। ऐसी हरियाली उन्होंने अपने भाव भंगिमा से बिखेरी और परिधानों में सजी थी महिलाएं। अगली ब्रेकिंग खबर है, गया जिला भाजपा कार्यालय के नव निर्मित भवन का उद्घाटन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर कमलों द्वारा पटना से हुआ ऑनलाइन। गया जिला कार्यालय के उद्घाटन के पहले हवन पूजन हुआ। यह नवनिर्मित भवन 12 कमरा एवं 2 हॉल युक्त है। भवन तकरीबन 50 डिसमिल भूखंड पर अवस्थित है। भाजपाइयों में हर्ष दिखी। तो इस तरह गया भाजपा के नव निर्मित कार्यालय भवन का हुआ उद्घाटन। आइए चले ब्रेकिंग में मौसम की ओर। गया जिले में हुई हल्की बारिश से किसानों में जगी धान रोपने की उम्मीद। जाहिर हो पटना मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। वहीं बादल के गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश की अलर्ट भी जारी की है। इस सुखाड़ के मौसम में बारिश की इंतजार है, बस बारिश की इंतजार है। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया की प्रस्तुति। थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेस।